अब चुनाव लड़ना है हमको या एनडीए को, हमको न समझ में आया कि कब सीट डिक्लेयर होगा और कैसे होगा, जिससे कि हम चुनाव में अच्छा करें। इसमें दूसरे को इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपना घर संभाले। लालू यादव पर कब्जा करने का उन्होंने जो लगाया है आरोप वो सही लगाया है। 94 लोगों का लिस्ट निकाल लिया था और सेकंड बैठक जो इलेक्शन कमेटी है भाजपा की आज हो रही है, तो आज होगी जिसमें बिहार भी शामिल है। अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, अधिसूचना जारी होगी वो करीब 13 के बाद 14 को, तो 14 के पहले सारा काम हो जाएगा। इसमें इतना जल्दीबाजी की कौन बात है, अगर कोई है तो उसको सभी सीट पर लड़ना नहीं है। ये भाजपा एनडीए को है कि सभी सीट पर लड़ना है, और लड़ना है तो जीतने वाला कैंडिडेट का टो किया जा रहा है कि हम ऐसा सीट जीतें कि 400 सीट कम से कम भारत में लावें और बिहार में 400 सीट लावें। तो वैसी परिस्थिति में सोच समझ के किया जा रहा है। अब चुनाव लड़ना है हमको या एनडीए को, हमको न समझ में आया कि कब सीट डिक्लेयर होगा और कैसे होगा, जिससे कि हम चुनाव में अच्छा करें। इसमें दूसरे को इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपना घर संभाले। लालू यादव पर कब्जा करने का उन्होंने जो लगाया है आरोप वो सही लगाया है। जीतन मांझी ने भी बिहार विधानसभा में कहा है कि यहाँ पर 6-7 लाख एकड़ जमीन भूमि सुधार का, जो जिसमें खास करके क्या कहते हैं भूदान का, सीलिंग का, बिहार सरकार का 5-6 लाख एकड़ जमीन का उन्होंने बंटवारा किया है, और उस जमीन की जो बंटवारा हुई है उसका 70% पर जिसको बांटा है, चाहे आवास का जमीन हो चाहे खेती करने की जमीन हो, उस पर उनका कब्जा नहीं है। उनका रसीद कटा रहे हैं, फरमाना लेकर दौड़ रहे हैं, लेकिन अगल बगल के लोग या तो कब्जा कर रहे हैं और नहीं तो अपनी सरकारी जो चीज है उसको बना रहे हैं। जैसे अभी खेल स्टेडियम का मामला चला है, अभी हमको फतेहपुर से मंझौली का केस आया है, अभी भारत में यहाँ पर बजरगंज से केस आया है, फिर हमको अभी बेला गए थे, बेला में केस चल रहा है। यानी जो नाम का या किसी का चपर्चा मिला है उस पर दखल सरकार नहीं दिला पाई है, और उस पर को बेदखल लोग कर लिया है। एक तो सरकारी के लोग भी जगह बेदखल कर रहे हैं और दूसरा आम लोग भी कर रहे हैं। उसमें बात सही है कि राजद के लोग ज्यादा हैं, ये हम बिहार विधानसभा के विरोध विधेयक के में जो बात चर्चा हो रही थी उसमें हमने कहा, इसलिए वो तो हमारी बात को दोहराए हैं। इसके लिए हम बहुत अनुग्रहित हैं, उनको भी मालूम हो गया है कि बिहार में भूमि माफिया कौन है, और लालू जी के लोग विशेष करके हैं, इसलिए उनको उन्होंने कहा कि हम सीधा कर देंगे, तो गलत करता है।